हे गाइस वेलकम बैक टू प्रेम कार ब्लॉग्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं TVS की नई 125 जुपिटर। TVS की 125 जुपिटर है और इसमें कई सारे कलर्स आते हैं और इसमें नए फीचर्स दे दिए गए हैं, न्यू एडवांस फीचर्स इसके साथ हैं और इसका पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे सारे फीचर्स। तो हमारे साथ बने रहिए, जब तक सिनेमैटिक व्यू एंजॉय करें, मिलते हैं आगे। और सबसे पहले हम इसकी लुक की बात कर रहे हैं, काफी खतरनाक लुक दे रही है अब की जो TVS का आया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है इसका स्कूटर। और इसके हम सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लें तो प्राइसिंग हमें मिल जाती है इसकी, जो टॉप से जो सेकंड वेरिएंट है वो है ये। इसकी प्राइसिंग है एक्स शोरूम प्राइस सबसे पहले तो ये हमें मिल जाती है 85,000 से 99,000 तक जाती है इसका टॉप मॉडल। तो ये है हमारे पास इंटेलिगो वेरियंट। तो इसकी सारी चीजें हम बताएंगे। हम इसके इंजन की बात करें, 125 cc का मिल जाता है एयर कूल्ड इंजन और फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है इसमें, फ्यूल इंजेक्शन है और इसका हमें फ्यूल टाइप मिल जाता है पेट्रोल में इसका मिल जाता है। तो हम बात कर रहे हैं इसके फ्रंट से, फ्रंट में हमें सबसे पहले मिल जाते हैं, वैसे एक बार लुक में आप देख सकते हैं ज़्यादातर इसमें क्रोम दे रखा है, आगे भी क्रोम है, नीचे भी क्रोम है और पीछे की साइड में, दोनों साइड में हमें क्रोम मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम दे रखा है, दोनों साइड ही क्रोम मिल रहा है और बीच में हमें ग्लॉसी ब्लैक का ये फाइबर टाइप का हार्ड प्लास्टिक दे रखी है। और हमें इसमें मिल जाती है जो कि पहली वाली जुपिटर और भी जो स्कूटी आती है उनमें हैलोजन मिलती है, इसमें मिल रही है वाइट एलईडी टैग मिल रही है इस पर। यहाँ पे हमें सिंबल भी लोगो दिख रहा है, यहाँ पे अंदर भी हमें मिल जाता है क्रोम के साथ ही एलईडी टैग। और यहाँ पे दे दिया गया है सिग्नेचर टीवीएस का सिग्नेचर मिल जाता है और हमें मिल जाता है यहाँ पे डीआरएल के साथ हमें मिल जाती है जो कि 2024 में आ गया है। और यहाँ पे हमें अंदर मिल जाता है हेलोजन लाइट एलईडी और एक चीज़ बताएं, यहाँ पे भी हमें क्रोम दे रखा है पूरी लाइट के साथ ही, हमें काफ़ी ख़तरनाक लुक दे रहा है इसका आपके डीआरएल के साथ। और हम बात करें अलॉय हमें मिल जाते हैं डायमंड कट में जो कि बहुत ही प्यारा दे रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है इसका। और दोनों साइड हमें मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर हमें दोनों साइड मिल जाते हैं और फ्रंट में हमें मिल जाता है डिस्क और जो रियर है उसमें हमें ड्रम मिल जाता है। फ्रंट में ही सिर्फ हमें डिस्क मिलती है और रियर में हमें ड्रम मिलता है। अलॉय तो है ही इसके खतरनाक, अब के काफ़ी खतरनाक दे दिए गए इसमें अलॉय अब डायमंड कट में जो कि स्टाइलिश बहुत स्पोर्टिव लुक दे रहा है इसको। और एक चीज़ और हम इसमें बता दें, जैसे कि और जो स्कूटियों में आता है जो पहले आ रही थी, अब TVS ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें,
जैसे कि यहाँ से है ना बहुत स्कूटियों में यहाँ से पेंट वेंट निकल जाते थे, अब इसमें कुछ भी नहीं है और यहाँ पे कीचड़ वीचड़ सारी निकल जाती थी। अब यहाँ पे हमें एक सपोर्टर दे दिया गया है ताकि इधर से पेंट ना उखड़े और सारी चीज़ें कीचड़ वीचड़ ऊपर साइड ना हो, ये सपोर्टर हमें दे दिया गया, थोड़ा सा लेदर टाइप में काफ़ी बढ़िया दिया गया है इसमें, बस जुपिटर का ही। और हमें साइड में मिल जाता है TVS का इंटेलिगो, एक सिग्नेचर के साथ ही मिल रहा है। तो हम एक चीज़ बताएं आपको जो खतरनाक है इसमें, नया एडवांस जो फीचर आया ना, न्यू एडवांस फीचर जो कि सारी स्कूटी में लगभग आता है पीछे की साइड या फिर अंदर डिग्गी के अंदर फ्यूल आता है, फ्यूल टैंक, अब इसमें में दे दिया गया है एक्सटर्नली, बाहर ही टैंक दे दिया है फ्यूल टैंक, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसका ये फीचर मुझे सबसे बढ़िया लगा, यहाँ से हम इसका फ्यूल टैंक खोल सकते हैं और यही डिग्गी यहीं से है, ये देख सकते हैं। ये इसमें फीचर भी बहुत अच्छा दिया गया है, इसमें डिजिटल दे दिया है इतना सा, और इको मिल जाता है हमें यहाँ पे, सारे मोड हैं इको और अर्बन का भी दे दिया है इसमें, और फ्यूल टैंक का तो दिखा ही रहा है, स्पीड का दिखा रहा है नॉर्मल, और जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट आता ना ये हमें पूरा डिजिटल मिल जाता है, फुली डिजिटल, इसमें हम कनेक्टेड कर सकते हैं नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें हम इसमें कनेक्टेड करते हैं। ये भी हमें पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्रोम दे दिया गया है, और यहाँ पे हमें TVS का देख सकते हैं बीच में एक लोगो दे रखा है जो कि उसमें भी लाइट दे रही, लाइट जल रही गई है, वो भी बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है, बहुत प्यारा लुक है। एक्सटर्नली हमें फ्यूल टैंक मिल जाता है ना, ये भी बहुत बढ़िया है, और इसमें इसमें हमें फ्यूल टैंक मिल जाता है, फ्यूल कैपेसिटी इसकी है 5.1 लीटर इसकी फ्यूल कैपेसिटी है TVS की। और इसमें एक चीज़ और हम दिखाएं, यहीं से हम सारे कंट्रोल कर सकते हैं, यहीं से हम ऑन करेंगे और यहीं से हम थोड़ा सा दबा के इसको करेंगे तो ये पीछे वाले लोग इसकी डिग्गी की बात कर रहे थे, डिग्गी का हमें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहीं से हमें थोड़ा लेफ्ट साइड में करना है और इसकी डिग्गी ओपन हो जाती है, हमने वहाँ से लेफ्ट साइड नहीं किया तो ये डिग्गी इस बार आपके काफ़ी बड़ी दे दी गई है TVS में, क्योंकि इसका फ्यूल टैंक इधर नहीं है तो फ्यूल टैंक हमें आगे ही मिल जाता है, तो इसमें हमें मिल जाता है 33 लीटर का ही स्टोरेज, जो इसके स्टोरेज है बूट स्टोरेज हमें मिल जाता है 33 लीटर का, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, हम बता दें आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। जो पहली वाली जो स्कूटी आ रही थी एक्टिवा एक्टिवा जितनी भी आ रही है और जुपिटर की पहली वाली थी, अब के 2024 में काफ़ी ज़्यादा काम बढ़िया कर दिया गया है, 33 लीटर का बहुत ज़्यादा ही है, और एक्सटर्नल हमें यहाँ पर दे ही रखा है 5.1 लीटर का, काफ़ी है, क्या करना है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ बताएं, यहाँ पर हमें स्लॉट यहाँ पर मिल जाता है USB का, जो कि हम अपना फ़ोन यहाँ पर रख सकते हैं, थोड़ा सा स्टोरेज हमें यहाँ पे भी दे दिया गया है, जो कि थोड़ा सा नहीं काफ़ी बोल सकते हैं, काफ़ी है इसके अंदर। और यहाँ पे हमें हुक मिल जाता है, एक यहाँ पे हुक मिल जाता है, एक इधर भी साइड हमें एक हुक मिल जाता है, दोनों साइड हमें हुक मिल जाते हैं। और ये जो इसका फुट बोर्ड है ना, इसमें भी काफ़ी स्पेस है, फुट बोर्ड में भी हमें काफ़ी स्पेस मिल गया है अब के, और बीच में हमें मिल जाता है जुपिटर का ही सिग्नेचर मिल रहा है जुपिटर का। साइड में हम बात करें, क्रोम ही मिल रहा है दोनों साइड ही हमें सब, इस बार ये चीज़ तो है, इसमें ज़्यादातर क्रोम दे दी गई है, फिनिशिंग क्रोम की बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है इसके अंदर, साइड में भी क्रोम की फिनिशिंग, और जुपिटर का सिग्नेचर हमें यहाँ पे मिल जाता है 125 जुपिटर का, जो कि हमें मिल जाता है क्रोम के साथ, ये भी क्रोम के साथ ही। और बैक साइड की हम बात करें तो बैक साइड में भी एक रिफ्लेक्टर हमें यहाँ पर मिल जाता है ऊपर की साइड बैक रेस्ट के लिए, और हमें यहाँ TVS का सिग्नेचर मिल रहा है, ये भी क्रोम के साथ ही। बात करें बैक साइड की, जो बैक साइड में हमें मिल जाता है LED DRL टाइप में रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक दे रहा है इसका लुक, जो पहली वाली जो आ रही थी ना उसमें नहीं था, और बीच में तो हमें मिल ही जाता है हेलोजन लाइट जो कि रेड में मिल रही है हमें, और दोनों भी हमें वाइट के साथ ही मिल जाती हैं, LED के साथ ही हेलोजन मिल रही है दोनों भी। अब की जो लुक दे दिया ना, काफ़ी खतरनाक दे दिया, TVS का जो लोगो है ना उसके तरह ही हमें इसको पीछे वाली जो लाइट मिल रही है आपके, और नेम प्लेट के लिए भी हमें एक लाइट दे दी गई है, यहाँ पे पीछे की साइड देख सकते हैं, नेम प्लेट के लिए भी हमें एक यहाँ पे लाइट दे दी गई है, पहले जो आती थी वो लाइट के अंदर ही होती थी, अब ये हमें दे दिया है उसके अलग से ही, और उसके नीचे हमें मिल जाता है एक रिफ्लेक्टर नेम प्लेट के लिए ही। और हम बात करें यहाँ पे एक हमें TVS का सिग्नेचर दे रखा है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है डायमंड कट, ये हमें मिल जाता है रियर का ही, हमें ड्रम मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिल जाती है, फ्रंट में तो हमें मिलती है डिस्क ही, और रियर में मिल रही है ड्रम, डायमंड
डायमंड कट अलॉय मिल जाते हैं पीछे की साइड, क्योंकि इसका खतरनाक लुक दे रहा है। और ये हमें इसका साइज मिल जाता है, साइज हमें मिल जाता है इसका 90 बाई 90 का, जो कि 12 इंच का मिल जाता है हमें। इसका रियर भी और फ्रंट भी हमें मिल जाता है 90 बाई 90 का, मतलब 12 इंच का हमें मिल जाता है अलॉय इसका साइज डायमंड कट में, जो कि स्पोर्टी लुक दे रहा है इसका दोनों साइड का ही। और बीच में मिल जाता है स्टैंड, जो कि बहुत ही इजीली इसका स्टैंड खड़ा हो जाता है। जैसे हम दिखाते हैं आपको, इसमें दोनों टायर मिल जाते हैं, दोनों ट्यूबलेस ही, इसके अंदर ही दोनों टायर हमें ट्यूबलेस मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है इसके दोनों ट्यूबलेस टायर। मैं एक चीज़ बताऊँ, इसमें एक जैसी पहली वाली जो स्कूटी में आती थी, यहाँ पे एक साइड स्टैंड टाइप का होता था, अब वो इसलिए ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि आगे ज़्यादा स्पेस है, आगे तो आगे वाला बंदा रख ही लेगा पैर, पीछे वाले के लिए यही बहुत है, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फालतू में फिर ज़्यादा बुरा लगता है, लुक ख़राब करता है उस चीज़ को हमारा। अब हम इसकी बात करें यहाँ से डिस्प्ले की, डिस्प्ले में हम बात करें, इसमें हमें मिल जाते हैं मोड, दो बटन हमें दे रखे हैं इसके अंदर ही, जो कि हम रीसेट वगैरह इसका किलोमीटर वगैरह कर सकते हैं। और फ्यूल तो हमें यहाँ पे दिखा ही रहा है, फ्यूल की यहाँ पे दिखा देता है, टाइम भी हमें इसमें दिखा देता है, ट्रिप हमने कितनी की है ट्रिप भी दिखा रहा है इसके अंदर, 0.3 किलोमीटर हमने ट्रिप करी हुई है इसके अंदर। इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम स्पोर्ट्स की तरह इसके जो इको है ना सिस्टम जो दे रखा है यहाँ पे, इको मीटर इसका काफ़ी बढ़िया लग रहा है, टाइम भी एकदम फिक्स दिखा रहा है इसका। और साइड में हम बात करें इसके, ये हमें मिल जाता है, ये हमें तो जो नॉर्मली स्कूटी में आते हैं वही चीज़ें हमें मिल रही है, यहाँ से सेल्फ मिल रहा है, सेल्फ स्टार्ट इलेक्ट्रिक स्टार्टर में मिल जाता है यहाँ से। और ये है हमारा ऑन ऑफ का, जो कि पहली वाली स्कूटी में अलग टाइप का आता था, और अब हमें ऑन ऑफ का मिल जाता है अलग टाइप का ही, ए और ए क्रॉस का। और साइड में हम बात करें, साइड में हमें हेडलाइट के लिए मिल जाते हैं पासिस मिल जाते हैं यहाँ से, जो कि नॉर्मल आ रहा है। और यहाँ पे इंडिकेटर का करेंगे तो ऑन, यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाएगा शो साइड भी। और इसका हॉर्न काफ़ी लाउड इसका हॉर्न है, आपके देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इसकी टॉप स्पीड की, टॉप स्पीड हमें मिल जाती है इसकी 95 किलोमीटर पर आर की स्पीड मिल जाती है। और हम फ्यूल कैपेसिटी इसकी बता ही चुके हैं, 5.1 लीटर का तो हमें फ्यूल टैंक मिल ही रहा है, और जो रिज़र्व है रिज़र्व हमें मिल जाता है 1.3 लीटर का रिज़र्व सिस्टम है इसके अंदर, टैंक मिल जाता है। और इसमें हम इसकी वेट की बता दें, वेट हमें मिल जाता है 108 केजी का इसमें वेट है। और हम इसकी एमिशन टाइप की बात करें तो ये मिल जाती है BS6 एमिशन टाइप मिल जाता है हमें इसके अंदर। और हम इसके बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस हमें 110 का मिल जाता है लगभग इसके अंदर ही, काफ़ी ज़्यादा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। और हम इसके बात करें, अब हम इसकी एग्जॉस्ट साउंड की बात कर लें तो एग्जॉस्ट साउंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेल्फ, इसका एग्जॉस्ट साउंड ये है, ये इसका एग्जॉस्ट साउंड मिल जाता है, जो कि काफ़ी पहले से बेहतर कर दिया गया है इसका एग्जॉस्ट साउंड, जो कि ज़्यादा लाउड नहीं है इसका। आपकी बार इसमें एक नई फीचर और एक बताते हैं, इसमें एक चीज़ और रह गई, इसका जो साइड स्टैंड है ना, जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो इसमें एक बीप जैसी आवाज़ आ रही है, जब तक हम इसका स्टैंड ऊपर नहीं करेंगे जब तक ये बीप आवाज़ नहीं जाएगी। जैसे हम आप इसका स्टैंड ऊपर करके दिखाते हैं, स्टैंड हम ऊपर करके दिखाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, देखिए बीप इसका बंद हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो ये सिस्टम भी इसमें काफ़ी बढ़िया दे दी गई है, यूज़फुल फीचर है, ताकि ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो, ये भी चीज़ बहुत बढ़िया है। स्टैंड आजकल लगा के चले जाते हैं लोग, ये बीप आवाज़ नहीं करती है, ये फीचर भी इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। तो कैसी लगी है हमारी TVS की नई जुपिटर, जो कि नई लुक में आई है, नए एडवांस फीचर्स आए हैं इसके अंदर, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि कौन कौन से फीचर इसके हमें अच्छे लगे। और हम इसकी पूरी डिटेल दे देंगे इस शोरूम की, जिस इस शोरूम में आई है सारी डिटेल हम इसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लेना। और भी इसके सारे कलर्स हैं, हम सारे इसके फोटोज सारे डाल देंगे वीडियो के एंड में हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।